आसमा की बॉडी शेमिंग करने पर कंगना ने लगाई कंटेस्टेंट की क्लास। मंदाना के सवालों पर कंगना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कंगना के कंट्रोवर्शियल शो लॉकअप के जजमेंट डे पर कंगना ने लगाई सारी कैदियों की अच्छे से क्लास। बॉडी शेमिंग और घर में गाली गलौज करने पर कंगना ने दिया कंटेस्टेंट को लास्ट वार्निंग। जी हां, दरअसल बीते रात बैड एस जेल का जजमेंट डे था, जहां आते ही कंगना इस हफ्ते कंटेस्टेंट के किए गए कांड और मेकर्स के साथ बदतमीजी के लिए कंटेस्टेंट को फटका लगाती नजर आई। तो वही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आई घर में आजमा फला की बॉडी शेमिंग करने पर और सीक्रेट्स के साथ छेड़खानी करने पर कंगना ने मंदाना पूनम मुनव्वर को लगाई फटकार। कहा, कैसे हर एक इंसान एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो आजमा के शॉर्ट हाइट का मजाक उड़ाते हैं या फिर कंगना के कर्ली हेयर का, तो वो एक जनरेशन का अपमान कर रहे हैं। लोगों को इससे लग सकता है बुरा, क्योंकि हर जगह लड़कियों के शॉर्ट हाइट्स के लिए उन्हें कम आका जाता है, उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इन सब सेंसिटिव चीज़ों पर कंटेस्टेंट को कोई मस्ती ना करे तो वही ठीक है। जिस पर मंदाना ने कंगना से ये सवाल करते हुए बताया कि कैसे आजमा ने भी उनके साथ बदतमीजी और उनके एक्स हस्बैंड बॉयफ्रेंड करियर सब की बात की, क्या ये सही है। अब मंदाना का सवाल सुनकर कंगना हो गई और भी हाइपर। मंदाना को पलट जवाब देते हुए कहा, जिस भाषा में आप लोगों को अटैक करेंगे वो वैसे ही आपको रिप्लाई करेंगे, तो फिर इसके लिए आप तैयार रहिए। इसी के साथ कंगना ने बात को ना बढ़ाते हुए दिया मंदाना के साथ कंटेस्टेंट को लास्ट वार्निंग कि कोई दोबारा किसी की बॉडी शेमिंग ना करे। वेल, इस वीडियो पर क्या है आपका रिएक्शन हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।